तो गाइस अभी हम लोग घर के बाहर जा रहे थे और डैनी की माँ हमारे पीछा कर रही है। हम लोग इसे घर के अंदर लॉक करके गए थे लेकिन हमारे घर से कूद के आ गई। देखो इस बदमाश को। तो गाइस अभी भी भाग भाग के आ रही है। अगर मम्मा इसे देख लेती है ना तो ये एक जगह पे रुक जाती है। अब देखो देखो ये मम्मी के पास जाएगी और मम्मा को प्यार करेगी। देखो ये बहुत स्वीट है यार। बाय बाय डॉली बाय। तो गाइज अभी तक हमें यहाँ तक छोड़ने आई है। अरे घर चली जाओ। हम लोग अभी मेन रोड पे आ गए और ये अभी तक हमें यहाँ पे छोड़ने आई है। देखो इसको इतनी बदमाश हो गई है। डॉली डॉली इसका नाम हम लोगों ने डॉली रखा है क्योंकि डैनी का नाम मतलब जो इसका बच्चा था इसका नाम डैनी था और इसका नाम डॉली मैच करे नाम। देखो ये मेरे पास आ रही है। न्यू व्लॉग। सो गाइज इस व्लॉग में हम लोग एपका मॉल है जलांस वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने जहाँ पे हम लोग उसके व्लॉग भी मैंने डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। सो गाइज हम वहीं जा रहे हैं वहाँ पे शॉपिंग करने कुछ। सो हम यही रोड पे आके ऑटो ढूंढ रहे हैं और हमें ऑटो मिल गया है और हम डॉली को बाय बाय कह रहे हैं। बाय डॉली। सो गाइज हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और वो डॉली है। बाय डॉली। सो गाइस जलांस कुछ ऐसा है। यहाँ पे ना बच्चों के स्टेशनरी आइटम है वहाँ पे कॉस्मेटिक्स का है और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम जा रहे हैं ऊपर नहीं शायद हम साड़ियाँ देखने जा रहे हैं। सो लेट्स गो चलते हैं साड़ी देखने। सो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप की वैराइटीज़ की साड़ी मिल जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से कॉस्मेटिक्स का सामान और आप देखो कितना सुंदर है कितने सारे कॉस्मेटिक्स लाइक कितने सारे सामान्स हैं। यहाँ पे मम्मा लोग ना अपने लिए कुर्ती लाइक साड़ी देख रही हैं आप देख सकते हो। गाइस आजकल मुझे क्या हो गया है मैं लाइक अलग ही अलग कुछ बोली जा रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इतना बोर हो रही हूँ। सब साड़ी देख रहे हैं और ये मेरा भाई। इतनी सारी साड़ियाँ मिल गई हैं बट तो दोस्तों मैं आज आपको भावनी मिश्रा को दिखाता हूँ जो कि मुझे अपने हर वीडियो में दिखाती है। आज मैं अपने वीडियो में भावनी मिश्रा को दिखाऊंगा। तो ये देख ही सकते हैं ये वही भावनी मिश्रा डांस है जो कि अभी थोड़ी दिन पहले ही यूट्यूब फेस्ट इवेंट अटेंड करके आई है। गाइस देखिए जितनी दिखने में भोली भाली है अपनी घर में भोली भाली नहीं है। हमसे पूछिए मुझसे ही पूछिए कि कितना गंदा हमसे पूछिए कितनी गंदी हरकतें करता है। पूछिए मेरे शरीर से पूछिए मेरे शरीर ने कितना दर्द उठाया है पिछले 10 सालों में पूछिए दिखने में बस नहीं। गाइस यहाँ पे फिर मम्मी अपने लिए कुर्ती देखने लगी। आप देखो मम्मी को कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आपकी भी मम्मी को कुर्ती पसंद है तो ज़रूर बताइएगा गाइस। ये देखो इतनी सारी कुर्तियाँ हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं पार्टी वियर मम्मी लोगों की कुर्ती देखने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन है। सो गाइस यहाँ पे ना बिलिंग हो रही है। यहाँ पे मम्मा ने अपनी कुर्ती और एक दो लेगिंग्स ली हैं और साड़ी की तो बिलिंग नीचे ही हो गई थी। तो गाइज अभी हम यहाँ से अपना सामान ले रहे हैं। हमारा सामान ऊपर से बिलिंग होके यहाँ पे आ जाएगा। सो अभी हम लोग बाहर जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि बाहर आए तो खाना तो बनता ही है। मैंने ये हर ब्लॉग में बोला है कि बाहर आए तो खाना बनता ही है बट सच में मुझे खाना बहुत पसंद है तो मैं चलो खाना खाने चलते हैं लाइक कुछ स्नैक्स खाऊँ। सो गाइज आप देख सकते हो बाहर इतनी सारी भीड़ है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है और मैं सबसे पहले मोमोज खाऊंगी क्योंकि मुझे मोमोज बहुत पसंद है। और आप देख सकते हो यहाँ का मोमोज तो अलग ही है यार। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा जो जो आपको खाना है मतलब आपको मोमोज से लेकर चाट वाट सब मिलेगा आपको। गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ खाया मोमोज क्योंकि यहाँ का मोमोज ना सोयाबीन से होता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। गाइस यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न लिया है जो कि बहुत टेस्टी है। मैं यहाँ का रोज हर बार खाती हूँ जब भी आती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने मैंगो शेक लिया है। मुझे चेरीज पसंद नहीं है इसलिए सिंपल लिया है। सो लेट्स ट्राई कैसी होती है। सो अच्छा है हाँ अच्छा ही है। सो गाइस यहाँ का वेदर कुछ ऐसा हो रखा है जैसे बारिश होने वाली है। मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस आप देखो
यहाँ का पूरा वेदर ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। लाइक वाओ, मतलब कितने दिनों बाद यहाँ पे बारिश होगी तो कितना अच्छा होगा। मतलब इतने दिनों से इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं तो फाइनली बारिश हो तो अच्छा है। देखो गाइस, अभी हम लोग एक मंदिर में आए हैं जो कि खाटू श्याम जी का है, वाराणसी में खाटू श्याम जी का मंदिर। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है, और आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। और अभी मुझे अपने शूज रिमूव करना है और यहाँ पे हम लोग रिमूव करेंगे, सो लेट्स गो रिमूव करते हैं। सो गाइस, ये हैं खाटू श्याम जी, जिनकी दर्शन करने के लिए मैं जयपुर भी गई थी एक बार, और इसका व्लॉग नहीं आ पाया था कुछ इशूज़ के कारण, बट इसकी वीडियोज़ मैंने डाली होगी, अगर आपने देखी है तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हैं हमारे, सो गाइस ये हैं सालासर बालाजी, मैंने और ये ना इनके भी दर्शन आपको जयपुर में ही मिलेंगे। अगर आप गए हो यहाँ जयपुर में, लाइक इनके दर्शन किए हो खाटू श्याम जी के और सालासर भगवान जी के, तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर भी एक देवी देवता है जिनका मुझे नाम नहीं पता, अगर आप जानते हो तो ज़रूर बताइएगा। गाइस आप देख सकते हो ये मंदिर कितना सुंदर है यार, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, मतलब कितना सुंदर है आप देख सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण जी की फोटोज है और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है, जस्ट वाओ। गाइस ये मंदिर बाहर से देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, तो खाटू श्याम जी का मंदिर जयपुर में था लेकिन अब बनारस में भी आ गया है। देखो यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये मेरे पापा भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो। और देखो पूरा बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश अभी तक क्यों नहीं हो रही है यार, पहली बारिश गर्मी की हो जाए, बस प्लीज़ हो जाओ बारिश प्लीज़। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं कोल्ड कॉफ़ी पीने, सो गाइस मैं कोल्ड कॉफ़ी की, मुझे कोल्ड कॉफ़ी इतना पसंद है मैं आपको बता नहीं सकती। पहले मैंने केरला कैफे में पिया, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर में पिया था, उसके बाद आज मैं पी रही हूँ यहाँ पर लंका की रोड पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे अंकल ने हम मेरे लिए लाइक हम लोग के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं। गाइस हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, सो लेट्स ट्राई कि यहाँ की कैसी है। सो गाइस लेट्स ट्राई, बहुत टेस्टी है, रियली बहुत अच्छा है। वो मम्मा आइसक्रीम वाली ली थी और मैंने सिंपल ली थी, मुझे सिंपल दादी का बहुत ही अम्मी है। ये देखो मेरे भाई को इसकी कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, लेकिन तब भी ये क्या पागलों वाली हरकत कर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग बीएचयू में हैं और आप देख सकते हो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। और ना यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ना मोदी जी आए थे तो यहाँ पे ये डेकोरेट हुआ है, ये ना बीएचयू के फाउंडर है, उनकी लाइक उनकी मूर्ति है। अगर आपको इनका पूरा फेस देखना है तो मैं दिखा नहीं पा रही, ट्रैफिक है इसकी वजह से। अगर आपको फेस देखना है गाइस तो मेरे व्लॉग्स में होगा, कल ही का व्लॉग है, उसमें आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने दिखाया है। और आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है। सो गाइस इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।